डियर कस्टमर, ये ब्लूटूथ इंडस्ट्रियल डिजिटल प्लेटफॉर्म वेइंग स्केल है। ब्लूटूथ मीन्स कि हम ये ब्लूटूथ में हम आपको एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के साथ वेइंग स्केल प्रोवाइड करते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो टाइप में यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेइंग स्केल का जो कीबोर्ड ऑपरेटिंग है वो आप मोबाइल ऐप से यूज़ कर सकते हो। मोबाइल ऐप और वेइंग स्केल में आपको 7 to 8 meter डिस्टेंस में ये वर्क करेगा। यहाँ पे जो डिस्प्ले व्यू कर रहा है वो आपको मोबाइल ऐप में भी शो करेगा, और की ऑपरेटिंग समझ लो कि वेट को टेयर करना या मोड चेंज करना या जो भी है वो आप मोबाइल ऐप से डायरेक्ट आप करोगे तो वेइंग स्केल में इफेक्ट आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो। और आप इसका दूसरा एक अपग्रेड वर्जन ये होता है कि आपको इसमें अगर किसी को लॉग मैनेज करना है वेइंग स्केल का, समझ लो कि थ्रू आउट डे, या उसको एक्सेल में डेटा सेव चाहिए तो भी आप कर सकते हो। अभी कैसे यूज़ होगा, कैसे ये डाउनलोड करना है ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर में जाके आई लॉग टाइप करना है। आई लॉग हमारे ऐप का नाम है। आई लॉग के बाद आपको यहाँ पे आई लॉग ताज इंस्ट्रूमेंट्स करके आपको शो करेगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना। हमने पहले से डाउनलोड करके रख दिया है। अभी इसको आपके मोबाइल ब्लूटूथ से पेयर करना है। अभी ये से डिस्प्ले पे ओपन आ गया, अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ है ब्लूटूथ से। अभी आपको आपके मोबाइल से ब्लूटूथ ऑन करना है। ऐसे ब्लूटूथ ऑन करके हमारे डिवाइस का को पेयर करना है। पेयर में आपको पहले ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको हमारा डिवाइस ये हमारे डिवाइस का ब्लूटूथ डिवाइस का नाम है BT01202221। इसको आपको पेयर करना है। पेयर के लिए यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 1 2 3 4 पासवर्ड डालना है। 1 2 3 4 ऐसे पासवर्ड डाल के आपको पेयर करना है। ये पेयर हो गया। अभी इससे इसके साथ हमें ये कनेक्ट करना है। कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा, ये जो डिवाइस आपने पेयर किया वहाँ पे वो आपको कनेक्ट ऐसे ये करेगा। जैसे अभी जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे कनेक्टेड लिख के आ जाएगा और यहाँ पे वेइंग मोड लिख के आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि अभी मैं आपको डेमो के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप यहाँ पे भी 0 दिखा रहा है, यहाँ पे भी। अभी मैं ये यहाँ पे आपको ये 2 kilo वेट रख रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 2 kilo वेट दिखा रहा है, यहाँ पे भी ये 2 kilo वेट दिखा रहा है। अभी मैं समझ लो कि यहाँ से आपको टेयर करूँगा, यहाँ से आपको मैं टेयर करूँगा। टेयर माने वेट को 0 करना है। समझ लो कि ये मैंने वेट 0 कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये 0 हो गया। अभी मैं इसको उठा लेता हूँ और फिर से ये माइनस शो करेगा। तो अभी मैं ये यहाँ से आपको फिर से अगेन टेयर करता हूँ तो ये यहाँ पे भी 0 हो गया और ये यहाँ पे भी 0 हो गया। अभी हम आपको इसको मोड कैसे चेंज यहाँ पे भी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अभी दूसरी बार 2 kg वेट रखा, इसमें आप मोड चेंज करोगे। समझ लो कि पहले पीस काउंटिंग मोड आएगा तो यहाँ पे पीस मोड लिख के आएगा, यहाँ पे भी पी लिख के आएगा अगर पीस मोड में वर्क कर रहा है तो। अगर और आगे एक मोड और जाएंगे तो ये केजी लीटर ये ज़्यादातर मिल्क कन्वर्जन में यूज़ होता है, मिल्क इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो आपको यहाँ पे ही उसका लीटर मोड दिखाइएगा। अगेन आप यहाँ से आप दबाएंगे मोड तो ये फिर अगेन वेइंग मोड में यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं आएगा। पीस में पी लिख के आएगा, लीटर में केजी लीटर में एल लिख के आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा कैसे सेव और शेयर करते हैं। अभी मैं थोड़ा 4-5 ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे आपको अभी हम ये एक फर्स्ट आइटम रख रहे हैं, ये रखा, ये सेव किया, यहाँ पे डेटा लॉग्ड सक्सेसफुली ऐसे लिख के आएगा। अभी ये दूसरा आइटम रखा, अगेन यहाँ पे सेव किया, डेटा लॉग्ड सक्सेसफुली ऐसे लिख के आ गया। अभी हमने ये तीसरा आइटम रखा, ये तीसरा आइटम रख के सेव करते हैं, डेटा लॉग्ड सक्सेसफुली थर्ड टाइम लिख के आ गया। अभी ये हम फोर्थ आइटम रख रहे हैं, इसको भी सेव करते हैं, डेटा लॉग्ड सक्सेसफुली ऐसे फोर्थ टाइम भी लिख के आ गया। अभी हम ये फिफ्थ आइटम रखते हैं, 10 kg 700 g के आसपास है, ये यहाँ से अगेन प्रेस किया, डेटा लॉग सक्सेसफुली लिख के आ गया। अभी यहाँ से हम शेयर करेंगे,
जैसे ही शेयर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप ईमेल से शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, या कोई भी मोड पे आप। अभी हम यहाँ पे ये कोई भी किसी को भी आपको सेंड करना है तो ये ऐसे CSV फॉर्मेट में ये फाइल सेंड होगी। इसको हम आप ओपन करके आप देख सकते हो कि ये ऐसे लॉग क्रिएट होता है। ये कंटिन्यूटी सेव भी होता है, समझ लो कि पहले आपने कुछ फाइल बनाई हो तो वो उसके साथ कंटिन्यू सेव होता जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि एक यहाँ पे आप 15/15/31 को दिखा रहा है, हमने एक टेस्ट किया था ये, और अभी का जो है 17:37 का से लॉग क्रिएट हुआ है। ये 1, 2, 3, 4, 5 आइटम का, और ये दो उसके पहले का ट्रांजेक्शन, वो कंटिन्यू आपको ये सेव करता जाएगा। ये डेटा सेव का ये बेनिफिट है। थैंक यू।